हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल आदाब वेलकम बैक टू माय चैनल सेवन रश आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम मीटिंग यू गाइस अप आज का दिन बहुत 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 ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है बिकॉज कुछ स्पेशल अभी होने वाला है। बज रहे हैं 7:40, मुझे 7:50 को रिपोर्ट करना है तो मुझे फटाफट भागना है। बस जाने के पहले आप लोगों को ये दिखाना था, सुबह सुबह उठने के बाद जब ये नजारा हो आपके बालकनी के बाहर तो ये दृश्य से मन मोहित हो जाता है। आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, वहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, पहाड़ है, फॉग है, बारिश है, ठंडा ठंडा वेदर है और इस वेदर में कुछ करने का बहुत मन करता है। वो क्या है आप गेस करो, वही चीज हम करने जा रहे हैं तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, तो आप डेफिनेटली गेस करना। अगर जवाब सही निकला तो बहुत अच्छा, अगर नहीं निकला तो हम तो है ही। तो मेरा बैग अभी यहाँ पे, बैग लूंगा निकल जाऊंगा, मेरा पूरा रूम बिखरा पड़ा है, बैग लेके फटाफट भागता हूँ और आपको सीधा वेन्यू पे मिलता हूँ। बाय। सो वेलकम बैक, फाइनली वी आर एट द वेन्यू एंड जो एक्साइटिंग चीज था आज के दिन का वो यहाँ है। The exciting thing is not that कि ये वेदर में हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं बहुत मैटर करता है। ये मेरा भाई है प्रणव, पूरा प्लान आज का सिर्फ इसी ने सेट किया। प्लान में आज हमारे मुख्य किरदार है कीन लुइस एंड ही इज राइट देयर इफ यू कैन सी। तो आप लोगों को थोड़ी देर में मिलवाऊंगा, उनसे बातें करवाऊंगा, थोड़े इस मोमेंट को हम लोग पहले लिव इन करते हैं और लिव इन के बाद आपको इस मोमेंट का ग्लिम्स दिखा दे। तब तक के लिए बाय, सॉरी आई कांट कंट्रोल, सॉरी बाय। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर मी टू लीव। इन लोग अभी भी खेलना बाकी है एंड इट वॉज हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस टू शेयर द पिच विद कीन लुइस। अभी भी वर्ड्स नहीं है। इट्स टाइम टू से दिस गाइज बाय फॉर नाउ। ऑफिस भागना, कुछ बहुत अर्जेंट काम है, भागता हूँ, वहाँ पे जाके बैठ के पूरा स्टोरी बताता हूँ। फाइनली आई हैव रीच्ड ऑफिस, तो अभी पहले सबसे पहले काम करना है, काम खत्म करके आपसे मिलूंगा। लेकिन घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही देखो क्या हो गया, बहुत बुरा लग रहा है। मैं जब भी घर से निकल रहा था तभी थोड़ा मुझे टायर में कम हवा फील हो रहा था, मैंने टायर में हवा भरा और उसके बाद में जब ग्राउंड से निकला तो पूरा टायर ऐसा फ्लैट हो चुका है। यहाँ से निकलने के टाइम आई विल फिक्स इट, प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन भी है। यहाँ से सब काम खत्म करने के बाद आज निकलूंगा। यहाँ से निकलने के टाइम कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगा जो कल के लिए है, तो डेफिनेटली आप तब तक साथ रहना, आपको पता चलेगा। तो अभी जाता हूँ, फटफट काम खत्म करता हूँ और आप लोग से मिलता हूँ कुछ ही पलों में। बाय। मैं अपने रूम में अपने सिस्टम के सामने बैठा हूँ तो पूरे जोश और जुनून के साथ अधूरे काम को पूरा किया जाए। हाँ हेलो प्रणव, आज के लिए सीरियसली थैंक यू, मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, जो हुआ बहुत मजा है, सीरियसली बहुत मजा है, आई फकिंग एंजॉयड इट। चल ध्यान रख, मिलते। हाँ भाई बाय। तो अभी 1:15 बज रहा है, काम मेरा फिलहाल के लिए खत्म हो गया है। तो कल रात को सडनली प्रणव भाई का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, कीन लुइस आने वाले, आप अगर आ सकते हो तो प्लीज आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दूंगा। थोड़ा मैं फिर भी हेजिटेट किया था, कॉज देखो यार फुटबॉल फील्ड में ही इज एन सेलिब्रिटी, ही इज अ वेरी फैंटास्टिक प्लेयर, मैंने खुद उनके मैचेस देखे स्टेडियम में जाके ISL के। जस्ट अ क्विक बैकग्राउंड अबाउट हिम, वो थाने का प्लेयर है, ही स्टार्टेड हिज करियर इन आई लीग विद मोहन बगान, देन ही शिफ्टेड टू दिल्ली डायनामोस इन ISL, देन ही मूव टू पुणे CDFC एंड देन बेंगलुरु FC। सो एज ऑफ नाउ करेंटली एज पर डेटा ही इज प्लेइंग इन सुदेवा दिल्ली FC विच इज इन दिल्ली। ऑफकोर्स नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो आप लोग से भी बात कराऊंगा, आज मैं खुद इतना एक्साइटेड था कि मुझे समझ नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूं, तो मैं खुद कुछ बात नहीं किया एक्जैक्टली। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मिलूंगा तो मैं भी बात करूंगा और आप लोग से भी बात करवाऊंगा एंड आई विल ट्राई दैट आई मेक इट हैपन। अभी ऑफिस में मैं जिस रूम में बैठा हूँ यहाँ पे तो यूजुअली मैं अकेला रहता हूँ, जो मेन हमारा हेडक्वार्टर है मैं उस हेडक्वार्टर में आपको लेके चलता हूँ और जो लोग वहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं उन लोग से मिलाता हूँ और वहीं पे होगा कल के प्लान का खुलासा। हेलो गाइस, कैसे हो? हाय। ये हमारी मंडली, ये दिव्या मैम, हमारे सब भाई बहन इधर ही है, अजिंक्य सर, पराग सर को तो आप मिल चुके हो और ये शिवू भाई। अभी यहाँ पे कल का प्लानिंग होगा, अगर कल होता है प्लान तो मैं बताऊंगा, नहीं होता है तो भी बताऊंगा, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। अभी एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं, मैं वापस अपने केबिन में आया हूँ नीचे, अपना स्टफ्स पैक करूंगा और पैकअप करके ऊपर जाऊंगा, फिर वहीं से सब प्लानिंग खत्म करके निकल जाऊंगा। मैं आज गिम्बल भी लेके आया था, होपिंग कि अगर बारिश नहीं होगा तो मैं इससे रिकॉर्डिंग करता और शूट करता थोड़ा सुबह का पार्ट, लेकिन बारिश गिर रहा था तो मैंने गिम्बल के साथ रिस्क नहीं लिया, ऑब्वियसली लेना बनता भी नहीं है। अभी निकल रहे हम,
मैं जा रहा हूँ पहले रिपेयरिंग करने, लेकिन करूँगा कैसे यार, मेरा फ़ोन बंद हो गया। चलो देखते क्या सीन है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। हे गाइस, थोड़े दूर मुझे माझीवाड़ा में ये शॉप मिला है अमर टायर्स, इनके पास हिमालयन का ओरिजिनल ट्यूब मिल गया मुझे। यहाँ पे मुझे ट्यूब का कुछ कॉस्ट पड़ रहा 450 रुपये और प्लस मेकिंग चार्ज। ये रही हमारी गाड़ी, अभी टायर निकल रहा है, खुलने के बाद उसका नया ट्यूब लगेगा। मैं इसके थोड़ी देर पहले ये टायर के लिए हवा वाले के पास मैंने चेक करा, तो उसने मुझे बोला कि बल्ब में भी प्रॉब्लम है, तो उससे बेटर आप ट्यूब चेंज करा लो, पंक्चर बनाने से बेटर है। तो फाइनल डिसीजन था कि मैं ट्यूब लगाऊंगा नया, लेकिन मुझे ओरिजिनल ट्यूब चाहिए था, यहाँ पे मुझे मिल गया। आओ इनसे मिलाते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम रहीम है। और आपका नाम? अमीन। तो यहाँ इनके पास मुझे हिमालयन का ऑफिशियल ट्यूब मिला है और ये मुझे मदद कर रहे हैं इस सिचुएशन में टू गेट द प्रॉब्लम फिक्स। सो थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं जब भी निकल रहा था ऑफिस से, टायर पूरा फ्लैट था और मेरे को चलाने नहीं हो रहा था। मैं बस एक ट्यूब वाले के पास गया, टायर वाले के पास, उसने बोला कि हिमालयन का ट्यूब नहीं है, छोटा साइज़ का मिल जाएगा। तो मैं उसको बोला कि नहीं, मुझे ऑफिशियल लगाना बाबा, तो बस कर लिया और आपके पास आ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो अगर कभी भी थाने एरिया में आसपास कभी भी आपको ट्यूब, टायर या फिर ऐसा भी कुछ भी नेसेसिटी होता है जहाँ पे आपको ओरिजिनल स्टफ चाहिए, दिस शॉप इज़ वेरी गुड प्लेस एंड दिस गाइज विल हेल्प यू आउट नो मैटर वॉट, एंड दे आर ऑलवेज प्रॉम्प्ट ऑन योर कॉल्स। आपका कॉल कभी ऐसा आप कॉल कर रहे हो और आंसर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, मैंने कॉल किया 2 रिंग के अंदर आंसर आ जाए। एंड दे हेल्प मी आउट एंड दे गाइडेड मी टू दिस प्लेस एंड आई एम हियर। सो विल गेट दिस थिंग डन एंड विल रोल देम। वेरी इम्पोर्टेंट दिस पार्ट, मतलब आप ट्यूब के अंदर ट्यूब डाल रहे हो। हाँ, इसको सेफ्टी हो जाएगा ना। हाँ, तो आपको ट्यूब बाद में सही सही सही। सही बात है भैया, नंबर बोल रहे हो, स्कैनर है तो मुझे टोटल कितना देना है? 520 450 आपको ट्यूब का बोला था, लेकिन 420 था वो। हाँ, 100 रुपीज़। हाँ, 150 लो। नहीं नहीं, 150 लो। सलीम भाई ने बहुत सही काम कर दिया, मेरा उधर ट्यूब का दिक्कत हो रहा था रबर का, वो तक बना दे दिया। आप उतना जो जितना मैं आपको बताऊँ, ज़्यादा मत दो। पक्का? 100%। सलीम भाई थैंक यू सो मच, अपने भाई जैसा बनाया यार गाड़ी। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। अपना 30 ईयर्स से ये शॉप। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मेन टू लॉट, थैंक यू भाई। चलो भैया मिलते। सच जेंटलमैन पीपल यू, मतलब इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल लोग हैं। मतलब सलीम भाई का मैंने रिपेयरिंग का मैंने जो आपको फुटेज दिखाया, एक काम करते घर चलते फिर बात करते, यहाँ से पहले निकलते घर में मैं फट के हाथ मांगे। अभी शाम के बज रहे हैं 7:16, मैं लगभग 4 बजे तक घर पहुँच गया था। फिर घर पहुँचने के बाद मैंने लंच किया, लंच करने के बाद सब ऑफिस का काम निपटाया, निपटाने के बाद फाइनली अब मैं यहाँ पे हूँ। निकलते वक्त मैंने बताया था कि हमारा प्लान का फाइनल डिसीजन घर पे जाने के बाद शाम तक हो जाएगा, तो डिसीजन आ गया एंड द प्लान फॉर टुमारो इज़ ऑन। क्या प्लान है, कहाँ जाने का प्लान है, वो कल सुबह बताऊँगा, कल के लिए सरप्राइज़ है। तो डेफिनेटली आप कल आइएगा, यूट्यूब की दुकान पर कल आपका स्वागत होगा, तो डेफिनेटली कल आइए, कल आपको पूरा प्लान बताया जाएगा और पूरे दिन में क्या क्या धमाल होगा सब बताऊँगा। तो आज का एक्साइटिंग ब्लॉग ख़त्म करने के पहले जस्ट एक थॉट शेयर करना था कि जिस तरीके से सलीम भाई ने मेरा ट्यूब बनाया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जैसे अपने खुद के भाई का ही गाड़ी बनाया उन्होंने, बहुत केयर लेके बनाया उन्होंने,
बीच का जो पट्टी था वो तक चेंज करके दिया, जैसा आप लोग ने देखा मेरा ट्यूब का लेयरिंग डबल हो गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने जो MRP था ट्यूब का उससे एक पैसा ज़्यादा नहीं लिया, 420 MRP था, MRP का उन्होंने 420 ही लिया है। बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स रहता है, दे विल हेल्प यू आउट एंड दे विल गाइड यू थ्रू योर प्रॉब्लम्स एंटायरली। जस्ट वाइंडिंग दिस ऑफ, फाइनली वी आर हियर, जहाँ से आज का दिन का व्लॉग शुरू किया था वहीं पे खत्म। आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडे सुपर एक्साइटिंग व्लॉग, स्टार्टिंग द डे विद कीन लुइस, देन वर्किंग थ्रू आउट द डे, मीटिंग द गाइज इन द ऑफिस, एंड देन पंक्चर ठीक कराना, फिर नए दोस्त बनाना, और फिर आप लोगों के साथ आके वापस रूबरू होना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय बाय।